दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में लाइफ लर्निंग लाइफ के बारे में कुछ नया सीखेंगे तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से सुनो आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन उसके लिए उसका आपको कोई आइडिया इस वीडियो में मिल सकता है किसी दोस्त ने मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तो ये सामने उनका कमेंट दिख रहा है उन्होंने जो सवाल लिख करके के भेजा है क्या कह रहे हैं वो कि वो पीएचडी कर रहे हैं साइकोलॉजी में लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर ने उनकी लंका लगा रखी है और उनको वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे जड़ से उखाड़ फेंकूँ कहते हैं कि वीडियो देखी ऑनलाइन कोर्सेज लिए लेकिन ये माइंड का जो ये टेम्परामेंट है वो चेंज नहीं हो रहा वो नेगेटिविटी हावी हो रही है बढ़ रही है इसके बारे में मैं कुछ बेसिक्स बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट है और नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है आप अपनी प्रॉब्लम भी मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हैं मेरे से मिल सकते हैं मेरे से बात कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन उसका इलाज आपको मिलेगा लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ध्यान से पहले सुनो और देखो तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मेंटली स्ट्रेंथ जो माइंड से मजबूत बनना है ना वो एकेडमिक स्टडी से नहीं बनते हैं हम हम बड़ी उम्र जब हो जाए उससे कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है कि उम्र से बड़ा है तो वो बहुत मानसिक रूप से मजबूत होगा किसी की हाइट बड़ी है तो वो मानसिक रूप से बड़ा मजबूत होगा किसी ने कोई एमए कर रखी है पीएचडी कर रखी है बहुत पढ़ा लिखा है वो बहुत ही समझदार होगा मेंटली मेंटली मजबूत होगा स्ट्रांग होगा डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी प्रेशर को स्ट्रेस को झेलने की उसके पास एक एक अच्छी पावर होगी ये बात हम नहीं कह सकते मेंटली स्ट्रेंथ कहाँ से आती है जब हम अपनी लाइफ से से गुज़रते हैं अपनी लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस से जब निकलते हैं तो वो एक्सपीरियंस से हमें एक्सपोज़र मिलता है हमें एक्सपीरियंस मिलता है चीज़ों को कैसे हैंडल उस सिचुएशंस में हमने किया था वहाँ से फिर हमारी एक मेंटल मज़बूती बनती है ये बात आप ध्यान रख लो एकेडमिक स्टडी कॉलेजेस स्कूल्स में कितने पढ़े लिखे उससे माइंड मजबूत नहीं होता उससे हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं वो एक अलग लेवल की स्टडी है जैसे आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं आप मोबाइल चलाना चाहते हैं आप बाइक चलाना सीखना चाहते हैं गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं घर बनाना सीखना चाहते हैं बिल्डिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी स्टडी अलग होगी जब आप कंप्यूटर चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना है कैसे चलाना है वो वो कैसे फंक्शनिंग उसको सीखना पड़ेगा ना तो जब आप लाइफ में चाहते हैं कि अच्छा हो डर ना हो एंजाइटी ना हो मैं स्ट्रेस फील ना करूं मैं उदास फील ना करूं मेरी लाइफ पॉजिटिव हो मेरी लाइफ में एक पीस हो शांति हो खुशी हो तो उसके लिए भी एक अलग स्टडी होगी वो एक अलग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जैसे हम दूसरी स्टडी करते हैं उस प्रोसेस से हम गुज़रते हैं फिर किसी स्कूल में कॉलेज में या फिर हम कोई जॉब या अपना कोई बिजनेस करते हैं एक स्किल डेवलप करते हैं उसी तरह से लाइफ लर्निंग लाइफ को जीने की भी स्किल को डेवलप करना पड़ता है इसकी भी एक लर्निंग है इसके ऊपर भी आपको काम करना पढ़ेगा मेंटली मजबूत उम्र के साथ नहीं होते कि कोई उम्र से बड़ा है हाइट से बड़ा है शरीर से मजबूत है तो बड़ा मेंटली भी मजबूत होगा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये बातें मेरे एक्सपीरियंस से आ रही हैं ये किसी किताब में नहीं लिखी कोई पढ़कर नहीं सुना रहा मैं आपको ये एक्सपीरियंस जब होता है मैं अपनी कॉलेज लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपके साथ जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाते हैं तो वहां से लड़के जब आए कोई गाड़ी से आ रहा है इतने लंबे चौड़े ये वो तो है, उनको देख के थोड़ी हैरानी हुई कि यार ये तो नई दुनिया है वो कॉलेज लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं ये ये तो नई दुनिया है ये इनका माइंड कितना होगा ये कैसा सोचते होंगे लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जैसे उस फील्ड में आए इस चीज़ों को समझा तो पता चला कि नहीं वो बस हाइट से कोई हाइट किसी की ज़्यादा है कोई मोटा है कोई सुंदर कपड़े पहन के आया है ऐसा नहीं कि वो मेंटली मजबूत होगा कोई डॉक्टर है कोई लेक्चरर है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में साइकोलॉजिकल अपने काउंसलिंग करियर में डॉक्टर्स को साइकोलॉजिस्ट को हर फील्ड के पर्सन को पुल, पुलिस डिपार्टमेंट वालों को आर्मी वालों को ट्रीट किया है तो इससे इसलिए मुझे पता चला हाँ कोई आर्मी में भी है कोई पुलिस में भी है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मेंटली बहुत मजबूत होगा उसके भी अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं। ध्यान से समझो तो इसके लिए भी अपनी एक अलग स्टडी है तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि आपका जो डिसऑर्डर है दोस्त जिन्होंने कमेंट किया अपने से सवाल पूछा है अब हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं आप अपने एंजाइटी डिसऑर्डर को उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी रूट को समझना पड़ेगा कि मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है एंजाइटी हो रही है अब वो प्रॉब्लम बन गई है लेकिन मुझे एंजाइटी क्यों हो रही है मेरे अंदर कौन सा डर छुपा हुआ है कौन सी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं जब आप रूट को पहचानेंगे ना एंजाइटी के आप अपनी पर्सनल क्योंकि एंजाइटी सबकी अलग अलग रीजन सिम्टम्स सबके अलग अलग होते हैं उसकी एंजाइटी के बिहाइंड उसके पीछे के रीजन्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं एंजाइटी से डिप्रेशन के रीजन्स सबके अलग अलग होते हैं तो आपको अपने फाइंड आउट करना है तो ये लाइफ लर्निंग आप भी लीजिए इसके ऊपर काम करिए एक्सपेरिमेंट करिए एक्सपोजर्स करिए तो तब आप देखेंगे कि आप अपनी इस इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे और जो आपने सब्जेक्ट आपने चुना हुआ जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं पीएचडी है वो वो स्किल फिर आपकी एक अलग लेवल की डेवलप हो जाएगी और जब आप किसी को ट्रीट करेंगे या टीच करेंगे उसमें भी आपको बहुत बहुत फायदा होगा तो दोस्तों नंबर आपका मेरा नंबर स्क्रीन पर है तो आप मुझे मेरे साथ बात कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और लाइफ लर्निंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइफ लर्निंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं लाइफ लर्निंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं समझ करके खत्म करें तो इस वीडियो में आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में इतना ही ऑल द बेस्ट टेक केयर